हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सिद्धार्थ भाटिया, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर टेकिंग बायोटेक। आज हम ले रहे हैं बायोटेक, और बायोटेक में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम डीएनए को कट करने वाले हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम कट करेंगे डीएनए को। एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। और सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट आप चलें और उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलें, तो सीक्वेंस जो होनी चाहिए रीडिंग की वो सेम होनी चाहिए। एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है मलयालम। मलयालम को अगर आप लेफ्ट टू राइट बोलें चाहे राइट टू लेफ्ट बोलें तो सीक्वेंस आपकी सेम है। मलयालम को बोल के आप देख लीजिए, आप लिख के भी देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में जाकर के आप मलयालम की स्पेलिंग देख लीजिए। फिर भी पैलिंड्रोम को मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजन जो यहाँ पे बेसेस है उनकी सीक्वेंस देखिए आप, जी ए ए टी टी सी, और फिर वापस आप सीक्वेंस देखिए नीचे उतरते वक्त जी ए ए टी टी सी। सपोज कीजिए अब एंडोन्यूक्लियस ने एक तो यहां जी के यहां से कट करा, तो जी के यहां से कट करा तो ये अगेन यहां से जी के यहां से कट करेगा, तो दो तरंग की आर्म बनेगी। टू टाइप्स ऑफ आर्म विल बी फॉर्म, वन विल बी शॉर्ट, सेकंड वन विल बी लॉन्ग आर्म। वन विल बी शॉर्ट, सेकंड वन विल बी लॉन्ग आर्म। दिस टाइप ऑफ कट इज नोन एज स्टिकी कट और कॉस एंड। जहां पे एक लॉन्ग आर्म बने, जहां पे एक शॉर्ट आर्म बने, इस तरह के कट को बोलते हैं स्टिकी कट या कॉस कट या कॉस एंड। यहां पे दो तरह के बॉन्ड टूटेंगे, एक टूटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक टूटेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पे स्टिकी कट में दो तरह के बॉन्ड टूटते हैं, एक का नाम है स्टिक, एक का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे तरह का बॉन्ड कौन सा है वो पहले समझते हैं अपन। पहले हम पैलिंड्रोम के सीक्वेंस देख लें। पैलिंड्रोम की सीक्वेंस है सी 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 जी जी जी, नीचे उतर जाइए सी 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 जी जी जी। अब पैलिंड्रोम को हम बीच में से कट कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में से कट करा हमने, तो हमारा जो इक्वल पोर्शन हमको मिला, वी हैव गॉट ए इक्वल पोर्शन हियर एलएचएस। यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, तीन आपको नाइट्रोजन बेस मिले सी सी सी, उधर मिला आपको जी जी जी। नीचे उतर आइए तो फिर सी सी सी, कहने का मतलब है कट के इधर वाला पोर्शन में भी तीन नाइट्रोजन बेसेस हैं, उधर वाले में भी तीन आपको सीक्वेंस मिल रही हैं। तो इस तरह के कट को हम बोलते हैं ब्लंट कट, और यहां पे जो बोन टूटेगा उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बोन। ध्यान रखना यहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बोन ब्रेक होता है, यहां पे बीच में से कट लगता है, और यहां पे जो लेंथ होती है डीएनए की, जो लेंथ होती है वो सेम होती है। इस तरह के कट को बोलते हैं ब्लंट कट। वेयर इज यहां पे जो स्टिकी कट है उसमें एक आर्म होती है छोटी, एक आर्म होती है बड़ी। एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग ढंग से देख लेना। ओके, थैंक यू।